जय श्री महाकाल। हरि हर। रिमाइंड करना चाहते हैं कि फ्री माइंड करना चाहते हैं? रिमाइंड करेंगे तो हमेशा ओवरलैप होंगे, हमेशा ट्रैप में फंसते चले आएंगे और पूरी गांठ बनती चली जाएगी। गांठ बनती है कभी भी रिमाइंड करने से, बात को पकड़ लेने से। जितनी बात आदमी पकड़ लेता है और बार बार वही माइंड में लाता रहता है, तो उससे क्या होता है, पास्ट को जितना ज़्यादा ओवरलैप करता है मानव, ठीक है, कोई भी गलत बात को जब 10 बार ओवरलैप करता है, तो वहाँ पे मानव के साथ में शेकिंग होती, माइंड शेकिंग होती है। तो बिल्कुल बात समझ लेंगे, क्या हमको फ्री माइंड करना है? ठीक है, रिमाइंड करने से बार बार ओवरलैप हो जा रहा है, फंस जा रहा है ट्रैप में, और फ्री माइंड करने से मानो टोटल स्प्रेड हो जा रहा है। फैलना जरूरी है कि सिकुड़ना जरूरी है? मतलब ओवरलैप होगा तो वो जकड़ेगा ना, एक दूसरे में जकड़ेगा, पर यदि वो फ्री माइंड हो जाता है तो टोटल स्प्रेड होता है। तो आदमी जब सत्य में आता है तो फैलता है, ठीक है, ये बात समझिए। सत्य हमेशा फैलता है और झूठ, गलत और जो भी मानव के साथ फेक होता है, ठीक है, नकली होता है, डाउट होता है, शंका होती है, शक होता है, या बीमारी होती है, या कमजोरी होती है, या कोई भी समस्या होती है, उसमें मानव माइंड टर्बुलेंस होता है। माइंड हमेशा शेक करेगा, खच 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 खच, और फ्रिक्शन होगा बहुत ज़्यादा। किसके साथ? ब्रेन के साथ। अब वहां पे मानव फंस जाता है, तो इसलिए हमने बोला कि मानव क्या करना चाहता है देख लो। आप तो करते तो रहे हो क्या, माइंड शेक शेक हो रहा है। अब शेक होने से माइंड बहुत ज्यादा अनबैलेंस्ड हो रहा है, बात समझ में आ रही है? और माइंड शेक होने के बाद मानव निश्चिंता स्वरूप फंस जा रहा है ट्रैप में। तो एक ही चीज है, वो है सच्चाई, ट्रुथ। तो उसमें माइंड क्या होगा, फ्री होता चले जाएगा। वहां पे माइंड हमेशा क्लियरेंस होता चले आएगा, ठीक है बात? तो ये कब होता है, जब मानव के साथ में सच्चाई आती है, तो माइंड बिकम्स सरेंडर, माइंड सरेंडर कर देता है। माइंड सरेंडर कब करेगा, जब वहां पे सच्चाई आएगी उसके सामने। जब तक सच नहीं आएगा तब तक माइंड पूरा सरेंडर नहीं करेगा। आज इसलिए मन से बहुत परेशान है मानव, यह हम बता दे रहे हैं। उसका मन ही सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है। मन कभी भी बिचक जाता है, मन कभी भी उचक जाता है, मन कभी भी आग बबूला हो जाता है। क्यों, क्या हो रहा है उसको, वो सरेंडर नहीं कर पाया। माइंड सरेंडर कब करेगा, जब उसके समय सच्चाई आएगी, जब रियलिटी आएगी, जब उसके समय राइट होगा, सही चीज होगी, सही चीज पकड़ में आएगा, सही कंटेंट पकड़ में आएगा, तब तक मानव सुखी नहीं हो सकता। अब तब तक उसका मन शांत नहीं हो सकता। तो आज मानव मन शांत करना चाहता है। शांत कब होगा, उस सरेंडर तभी होगा जब वो
एक डेंजर सिचुएशन आ जाती है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन आ जाती है, तो क्या होता है मानव के साथ? तब मानव एकदम, उसका मन एकदम सीधा स्ट्रेट हो जाता है जैसे ही खतरा आता है, फिर बक बक करना उसका बंद, मन का बक बक करना बंद हो जाता है। और आज माइंड से परेशान है लोग, ठीक है मन, तो बिल्कुल समझ लेंगे। और जब इमरजेंसी आती है, ठीक है, तो क्या होता है, माइंड बिल्कुल अलाइन हो जाता है ब्रेन के साथ, ठीक है। और उस समय फिर उस समय कोई भी चौचो पोपो कुछ भी नहीं चलेगा, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस होगा ही नहीं माइंड से आपकी ब्रेन में। बात समझ में आ रही है? तो वेयर इज माइंड, अंडरस्टैंड, इज द सेकेंड लेयर ऑफ बॉडी इन इनसाइड। सो नेवर ट्राई टू बी फाइंड आउट वेर इज माइंड, नेवर माइंड दैट, बिकॉज यू कैंट बी होल्ड एनीथिंग, यू कैंट बी कैच एनीथिंग, यू कैंट एनी कैप्चर एनीथिंग, ठीक है। आप ना उसको पकड़ सकते हैं, ना खींच सकते हैं, ठीक है, ना उसको होल्ड कर सकते हैं। बस ये है कि उसको होल्ड करने की कोशिश करोगे तो दबाव होगा, फ्रिक्शन होगा। तो एम्प्टी द माइंड, माइंड को एम्प्टी करेंगे, और फ्री द माइंड, फ्री फ्रॉम माइंड, स्वतंत्र होए मन से, ठीक है बात। तो मानो सुखी हो सकता है जब तक मन से मुक्त नहीं होगा, ठीक है। साइकोलॉजिकली मेंटली स्वतंत्रता नहीं होगी, साइकोलॉजिकल स्वतंत्रता नहीं होगी और भावात्मक स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक मानव शांत नहीं हो सकता और न ही स्वयं को प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो हर मानव को हमको पता है कि शांति तो चाहिए ही, पर शांति आ नहीं पा रही, मिल नहीं पा रही, पा नहीं पा रहा है, और उसके लिए कोई टॉनिक नहीं है, उसके लिए कोई टोटका काम नहीं करता, उसके लिए कोई भी रेमेडी काम नहीं करती। उसको क्रम अनुसार ही मानव को अध्ययन करना होता है, अभ्यास करना होता है, अनुसंधान करना होता है और अनुभव करना होता है, ठीक है बात समझ में आ गई। तो यदि मानव सुखी होना चाहता है या मानव स्वयं में अपने आप को शांत करना चाहता है और स्वयं में आनंद होना चाहता है, तो जरूर जुड़े रहें सत्य के साथ। जय श्री महाकाल, हरिहर।